थ्री फुल चिकन कुकिंग बिग बैरल। एक गांव में अच्छू राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। अच्छू अपने पिताजी के दिए हुए खेत को जोतता था। बहुत मेहनत करने पर भी अच्छू को नुकसान का ही सामना करना पड़ता था। एक दिन अच्छू सड़क पर जा रहा था कि तभी उसकी नजर तंदूरी चिकन बेचने वाले दुकान पर पड़ी। उसकी महक से अच्छू के मुंह में पानी आने लगा। उसने अपना जेब टटोला पर उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन किसी भी तरह चिकन बिरयानी खाने की अच्छू ने ठान ली। अच्छू दुकानदार के पास गया और, भैया आप मुझे एक प्लेट चिकन बिरयानी दोगे तो जैसे ही फसल कटेगी मैं पैसे लाकर तुम्हें दे दूंगा। दुकानदार, क्या कहा तुम मुझे फसल काटने के बाद पैसे दोगे? देखो ब्रदर, मैं भीख मंगे को उधार दे सकता हूँ, लेकिन तुम जैसे किसानों को नहीं। क्योंकि भिखारी ट्रैफिक सिग्नल के चार चक्कर मारेगा तो वो ये पैसे कमा लेगा, लेकिन बेचारे तुम किसान चार महीने मेहनत करने के बाद भी कुछ कमा नहीं पाते उधार बढ़ाने के अलावा। प्लीज मुझे माफ कर दो भैया। जाओ। ये सुनकर अच्छू बहुत परेशान हो गया। घर लौटे अच्छू से खटिया में पड़े उसके पिताजी सीताराम। बेटा क्या तुमने कुछ खाया? अच्छू, हाँ हाँ क्यों नहीं, लोगों के गाली खाकर आया हूँ, मैंने बेइज्जती को निगल लिया। सीताराम, क्या हुआ बेटा? अच्छू, मैं इतने मेहनत से फसल उगाता हूँ लेकिन गांव में मेरी कोई इज्जत ही नहीं करता। मेरे उगाए हुए फसल तो लोग खाते हैं लेकिन मैं अपने पसंद का चार टुकड़ा भी नहीं खा सकता। बस बहुत हो चुका पिताजी, मैं अपना खेत बेच रहा हूँ। सीताराम, अरे जमीन बेच कर क्या करोगे बेटा, वो पैसे हमारे उधार चुकाने के लिए भी कम पड़ेंगे, और कोई नौकरी ढूंढने के लिए तो तुम पढ़े लिखे हो नहीं। अच्छू, ये बात भी सही है पिताजी, सब मेरी किस्मत है। सीताराम बहुत दुखी हुआ। एक दिन अच्छू अपने खेत की ओर जा रहा था, तभी उसकी नजर एक घर के बाहर पड़ी जहाँ तीन मुर्गियाँ थीं। अच्छू ने उस घर की ओर देखा, बाहर कोई नहीं था। अच्छू, अरे इन मुर्गियों का तंदूरी चिकन बनाया तो मजा आ जाएगा। अच्छू, ये क्या मेरे मन में ऐसे घटिया विचार क्यों आ रहे हैं? यूं सोचकर आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसके मन में, अब चोरी नहीं किया तो कौन सा मुझे कोई इनाम देने वाला है, कहकर अच्छू ने उन तीनों मुर्गियों को उठाया। फिर उन मुर्गियों को अपने खेत के पास ले गया। उसने अपने खेत के पास कोयले का चूल्हा बनाया। फिर तीनों मुर्गियों में मसाला का लेप लगाकर उसने उनमें डंडा घुसाया। फिर उन डंडों को कोयले के चूल्हे के ऊपर सेकने लगा। वो उन मुर्गियों के पकने का इंतजार करने लगा। तभी उसे दूर उस गांव का पहलवान सुजीत नजर आया। सुजीत एक किसान से, भैया मेरे तीन मुर्गियां गायब हैं, मैं ये देखने आया हूँ कहीं वो दाना चुगने के लिए खेत की तरफ तो नहीं आए, तुमने मेरे तीन मुर्गियां देखा? उस किसान ने कहा, नहीं भैया। ये सुनकर अच्छू परेशान हो गया। अच्छू, बाप रे ये पहलवान की मुर्गियाँ थी, अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा तंदूर बना देगा, अब मैं क्या करूँ, कहकर चारों ओर देखने लगा। उसे एक जगह तीन बड़े बड़े ड्रम दिखाई दिए। अच्छू तुरंत जाकर तीनों ड्रम को लाकर इन तीनों तंदूरी मुर्गियों के ऊपर ढक दिया। तभी सुजीत पहलवान वहाँ पहुँचा। सुजीत, अरे अच्छू तुम, मैंने सुना कि परसों तंदूरी शॉप वाले ने तुम्हारा अपमान किया था। भाई वैसे तुम्हें उधार नहीं मांगना चाहिए, इससे अच्छा है कि भूखे रहो। भाई ये सब रहने दो, तुमने मेरे तीन मुर्गियों को कहीं देखा? अच्छू, वो नहीं भाई मैंने नहीं देखा, लेकिन इतनी दूर कहाँ से आएंगी तुम्हारी मुर्गियाँ, आप अपने घर के पास ही ढूंढो, जाइए। तभी सुजीत की फोन की घंटी बजी। वो फोन पर बात करते हुए वहीं खड़ा रहा। यहाँ ड्रम के अंदर चिकन पक रहे थे, ड्रम के नीचे से धुआं निकलने लगा। अच्छू के पसीने छूटने लगे। फोन काटकर सुजीत, भाई ये तो ठीक है लेकिन यहाँ तंदूरी चिकन की बड़ी महक आ रही है, कहाँ से आ रही है? अच्छू, अच्छा पर मुझे तो कोई महक नहीं आ रही। तभी ड्रम के नीचे से धुआं और निकलने लगा। सुजीत को शक हुआ, उसने ड्रम को उठाकर फेंका। वहाँ उसने देखा कि डंडे के साथ तीन तंदूरी चिकन बककर तैयार थे। सुजीत की समझ में सारी बात आ गई। सुजीत, अरे अब कोई उधार देता नहीं है तो तुमने चोरी का काम शुरू कर दिया, कहकर उसने हाथ उठाया। अच्छू, मारिए सांप और मारिए, अपना पसीना बहाकर फसल उगाने वाले मुझ जैसे किसानों को ऐसे ही सजा देनी चाहिए। मुझे मार डालिए साहब, मुझे मार डालिए, कहकर रोने लगा। सुजीत को उस पर तरस आया। सुजीत, ठीक है तुम दुखी ना हो, लेकिन इससे पहले ड्रम के नीचे तंदूरी चिकन बनाते हुए मैंने कभी नहीं देखा। भाई ये तो कमाल का है, जरा मुझे भी स्वाद चखाओ, कहकर उसने एक चिकन का टुकड़ा अपने मुंह में डाला।
खाकर सुजीत, भाई तुम्हारा ड्रम चिकन कमाल का है। वैसे मुझे किसी का बनाया हुआ खाना पसंद ही नहीं आता। जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारी प्रशंसा कर रहा हूँ। अच्छू, थैंक्स पहलवान जी, मैं बहुत जल्द आपके पैसे चुका दूंगा। सुजीत, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल से तुम्हें मुर्गियाँ सप्लाई करूंगा। तुम यहीं पर ड्रम चिकन बनाकर उन्हें बेचना, जो मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अगले दिन से अच्छू वहीं पर फुल तंदूरी ड्रम चिकन बनाकर बेचने लगा। डंडों में चिकन को घुसाकर उसे ड्रम के नीचे पकाने लगा। उसे खाने के लिए लोग लाइन लगाने लगे। इस तरह अच्छू का खेत लोगों से भर गया। अच्छू और सुजीत मुनाफा बांटने लगे। बहुत जल्द अच्छू ने अपना सारा कर्ज चुका दिया। एक दिन सीताराम अच्छू से, देखा बेटा, जो अपने खेत पर भरोसा रखता है वो कभी धोखा नहीं खाता। कुछ लोग रियल एस्टेट में पैसे बनाते हैं और हमने ये ड्रम चिकन में पैसे बनाया बेटा। इस तरह 3 फुल ड्रम चिकन बनाकर बेचकर अच्छू के जिंदगी में स्थिरता आई।